إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله

और मैं उसी दिलचस्प गुफ्तगु को आगे बढ़ाना चाहता हूँ जो हमारी पिछले नशतों में आपसे हुई है और आपने दिलचस्पी का मुजाहरा जिसमें किया है तो आइए हम इस नश्त में भी आपका इस्तेबाल करते हैं असलमकुम वरम वबरक नजरेन कराम ख़वान के शिकवे पिछली नशस्त में जो बातें हुई हैं वो इसी तल्लक़ से कि खवतिन बसाओकत ये शिकायतें करती हैं कि हम तो किसी के सरपरस्ती में हैं हम समाज और माशरे की इसलाह में हिस्सा लेना चाहती हैं लेकिन क्या करें मजबूर हैं इसलिए कि हम बेटी हैं बाप की सरपरस्ती में हैं इसलिए कि हम बीवी हैं शौहर की सरपरस्ती में हैं इसलिए कि हम बहन हैं तो हमें भाइयों की ज़ेर सरपरस्ती ज़िंदगी गुजारनी पड़ रही है ये लोग हमारे कवाम हैं सरपरस्गर हैं जो चाहते हैं हमसे करा लेते हैं, और हमें ऐसा करना पड़ता है लेकिन ख़वात इस्लाम क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ आपके ये गिले आपके ये शिकवे, अल्लाह के यहाँ कबूल कर लिए जाएंगे आपको छुटकारा मिल जाएगा या आपको इस्लाह की भी कोशिश करनी चाहिए अपने बाप को कन्विंस करने की कोशिश करनी चाहिए अपने भाइयों को समझाने की कोशिश करनी चाहिए अपने शौहरों को भी दलील की रोशनी में बताने की कोशिश करनी चाहिए ये भी आपका एक फरीज़ा है कभी आपने ज़बान खोली है अदब के साथ तमाम तरपास लिहाज करते हुए अपने बाप के मकाम व मरतबे को पहचानते हुए कि आपने कभी दलील की रोशनी में उनके साथ बात की है अपने शौहर के सामने कभी कोई कुरानी आयत कभी कोई नबी की हदीस जो आपके फेवर में है आपका अपना हक़ दिलाने के लिए जो तैयार है कि आपने कभी अपने शोहर के काम में बात डाली क्या आपने अपने भाइयों को कभी समझाया अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो इस जुर्म में आप भी शरीक हो इसलिए कि नमूने और मिसालें हैं हमारे सामने जिससे पता चलता है कि ख़वातीन के सामने तो बड़े बड़े जालिम और जाबिर लोगों ने घुटने टेके हैं वक्त के हुक्मरानों ने ख़वातीन के सामने अपने आप को झुका दिया है ख़वातीन की बात तस्लीम कर लिए एक वाक़ा मैं आपको बताऊँ कुरान करीम ने दर्ज फरमाया है वाक़ा सुरख सूरत नंबर अट्ठाईस आयत नंबर नौ आपको मालूम होगा कि मिस्र में जो बादशाह फिरौन था किसी काहिन ने उससे कहा कि फिरौन देखो एक बच्चा पैदा होने वाला है वो पैदा होगा बड़ा होकर आपकी कुर्सी के लिए ख़तरा बन जाएगा आपके हुकूमत को छीन सकता है वो अब क्या था काहिन की बात सुनकर फिरौन ने अपने दरबारियों को बुलाया अपने मिनिस्टरों को बुलाया अपने वजीरों को बुलाया मजलिस आमिला के मेंबरों को उसने खबर दे दी अपने मिनिस्टरों को उसने बता दिया मामला संगीन है काहि ने ऐसी खबर दी है तो ऐसा करो मेरी तरफ से ये कानून नाफिस कर दो आज से जो भी बच्चा मिस्र में पैदा होगा अगर वो मेल चाइल्ड है अगर वो लड़का है तो उसे कत्ल कर दिया जाए उसे ज़िंदगी जीने का हक नहीं इसलिए कि बड़ा होकर हो सकता है वही हमारी कुर्सी के लिए ख़तरा बने पूरे मिस्र में एक कानून नाफिज हो गया जो भी बच्चा पैदा होता अगर वो मेल होता लड़का होता उसे कत्ल कर दिया जाता उन्हीं दिनों हज़रत मूसा वसलाम की पैदाइश हुई हज़रत मूसा मूसीतम की माँ बहुत फ़िक्रमंद हुई क्या होगा फिर उन्होंने तो एक कानून बनाया हुआ है लड़कों को कत्ल कर दिया जाए अल्लाह मैं अपने इस लखते जिगर को कैसे बचाऊँ लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ प्लानिंग थी मूा को बचाना था तो अल्लाह आलमीन ने मूसा की माँ को वही किया अपने बेटे को एक अच्छे से ताबूत में रखो सुला दो ले जा कर के दरिया में डाल दो मैं उसका मुहाफिज हूँ मैं उसकी निगरानी करने वाला हूँ मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने ऐसा ही किया ताबूत में रख कर दरिया के हवाले कर दिया मूसा की बहन को कहा देखो ये बॉक्स किसके हाथ लगता है कौन इसे लेता है मेरा बेटा किसकी गोद में जाता है क्या होता है इसके साथ मुसा सलाम की बहन दूर से इस बॉक्स की निगरानी करते हुए पीछे पीछे जाती हैं सुरक में ये वाक़ बड़ी तफसील के साथ ज़िक्र है होता ये है कि फिराउन के अपनी आवाम में से कुछ लोग जो उस दरिया में नहा रहे थे इतफ़ाक़ से ये बॉक्स बहता हुआ जिसमें मूसा तो सलाम रखे हुए हैं बच्चे हैं ये बॉक्स बहता हुआ जाता है और कुछ लोग उठा लेते हैं बाहर ले जाकर खोलते हैं बच्चा मासूम सा चेहरा और वो भी मेल चाइल्ड है क्या करें चलो इसे फिराउन के दरबार में ले चलते हैं जो फ़ैसला होगा वो करेंगे अलैहिस्सलाम तो फिरौन के दरबार में पहुंचा दिए जाते हैं कुरान के मुताबिक, फिरौन उनको क़त्ल करना चाहता है उनको मारना चाहता है उनकी ज़िंदगी का हक़ छीनना चाहता है लेकिन वहाँ पर अल्लाह आलमीन को मूसा की हिफाज़त करनी थी उसी फिरौन के उस कसर में उसी फिरौन के उस महल में उनकी बीवी आसिया जो एक मोमिना खातून, एक परहेज़गार खातून एक जन्नती खातून है आसिया आती फिर उन क्या सोच रहे हो इसे मार दिया जाए नाजरीन आओ मैं कुरान की आयत आपको सुनाता हूँ फिरओन ने मूसा को मारने का इरादा किया आकर आसिया ने सिफारिश की वक्त के ालिम जाबिर के सामने अपनी ज़बान खोली वो जालिम जाबिर जो अपने आप को अना रबला कहता था मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ तुम्हारा परवरदिगार हूँ उसके सामने भी आसिया जैसी ख़ातून ने अपनी ज़बान खोली क्या कहा कुरान के कलिमत में सुनिए क़ुरान की ज़बान में सुनिए अऊदबिल्लाशैतानजीम वक़ालत इमरत फ़्राउन क़ुरतआनली वलक ला तख्तलु और फ़्र की बीवी ने कहा ये बच्चा तो फ़्र हमारे और आपके आँखों की ठंडक बन सकता है ला तख्तलुह मत मारो इसे आप इसे कत्ल मत करो ए फिरौन आप इसे मत मारो इसे छोड़ दो कन्विंस कैसे किया एक तरफ जबान अदब पासो लिहाज अच्छा अंदाज और दूसरी तरफ लॉजिकल दलील क्या कहती हैं एक अकली दलील ज़रा देखिए आसिया अलैहिस्सलाम किस अंदाज में फिरौन के सामने पेश करती हैं कहती हैं आशा फ़ाउन तुम लाएश और फिर मेरा ख़्याल है मुझे उम्मीद है कि हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा हम इसको अपना बेटा अपना बच्चा बना लें हम इसकी परवरिश करें तो जब हम इसकी परवरिश करेंगे पालेंगे पोसेंगे पढ़ाएँगे लिखाएँगे खिलाएँगे पिलाएँगे तो हमारा अपना बच्चा होगा और अगर हमारा अपना बच्चा ठहरा तो हमारी कुर्सी क्यों छीनेगा और अगर उसके हक में यह कुर्सी जाती भी है तो आखिर हमारा क्या नुकसान है आशाफाना उनला शारून ये हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है हमें इसे अपना बेटा बना लेना चाहिए अडॉप्ट कर लेना चाहिए हमलाए शोरूण आपका इतना बड़ा महल इतना बड़ा कसर इतनी बड़ी बाउंड्री मैं इस बच्चे की परवरिश करती रहूँगी किसी को पता तक नहीं चलेगा आपकी रियाया में उन्हें ख़बर तक नहीं होगी नाजरिन कराम आसिया की ये बात क्या मानी गई क्या वक्त के ालिम जाबिर फ़्र ने तस्लीम किया जी हाँ अल्लाह अल्लाहबालमीन का कलाम शाहिद है कि वो फिर जिसने क़ानून बनाया था कि बेटों को मार दिया जाए उसने अपना क़ानून तोड़ा मैं आपको बता रहा था कि आपके शिक्वे आपकी शिकायतें हमेशा अल्लाह की निगाह में काबिल कबूल नहीं होंगी आपको भी मेहनत करनी होगी अपने सरपरस्तों को समझाना होगा अपनी ज़बान खोलनी होगी लब हिलाने होंगे और तब आप अपना हक अदा कर सकती हो और इन अगर आप ऐसा करोगी एक तरफ आप अजर पाओगी सवाब के मुस्तक होगी दूसरी तरफ इन इन मर्दों को कन्वेंस करने में आप एक अच्छा रोल अदा कर सकोगी इसलिए कि वक्त के लाल जाबिर फिरौन जैसे इंसान को किसी आसिया ने कन्वेंस किया और मूसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदगी जीने का हक मिला किसके कहने पर मूसा कत्ल किए जाने वाले थे लेकिन आसिया ने सिफारिश की एक बीवी थी वो लेकिन अपनी ज़बान को बड़े अच्छे लबो बड़े अच्छे अंदाज में अदब के साथ फिरावन जैसे जालिम के सामने उन्होंने मूसा के बारे में सिफ़ारिश की मत मारो ये तो हमारे आंखों की ठंडक हो सकता है हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है हम इसे अडॉप्ट कर लेते हैं अपना बच्चा बना लेते हैं फ़िओन ने घुटने टेक दिए अपने हाथ से बनाया हुआ क़ानून तोड़ दिया मूसा को ज़िंदगी जीने का हक़ मिला और हमने देखा कि यही मूसा फ़िरौन के घर में पले और बढ़े बड़े, बड़े हुए अल्लाह ने नबूत अता फ़रमाई और फिर मूसा और फिरौन के दरमियान जो वाक़ हैं वो आप जानती हैं लेकिन मैं ये वाक़ सिर्फ इसलिए आपके सामने छेड़ रहा हूँ आपको बता रहा हूँ कि आपके बहाने हमेशा काम नहीं आएंगे अल्लाह रबालमीन दिल की बातें तक जानता है दिल में आने वाले वस से भी वाकिफ़ है आप हमेशा ये बहाने बना लो कि हमारे बाप ने ऐसा कहा और करने को कहा इसलिए मैंने किया हमारे शौहर ने इस तरह से हमें करने को कहा तब मैंने किया हमारे भाई ने हमें इस तरह से कन्विंस किया इसलिए हम कन्विंस हो गए आपकी भी चाहत यही थी और आपको सपोर्ट मिल गया बाप की बात शौहर की बात भाई की बात आपके लिए सपोर्ट हो गई और आप भी उसी रों में बह गए ये अल्लाह की निगाह में कबूल नहीं किया जाएगा आओ कोशिश करो जैसे आसिया ने किया है अगर आसिया के कहने पर फिर जैसा जालिम व घुटने टेकता है अपना कानून तोड़ देता है बच्चे को जीने का हक देता है ख़वान क्या आप अपने वालिद को नहीं समझा सकती क्या फिर से बड़ा जालिम व जाबिर है आपका शौहर क्या आपके भाई इस ालिम जाबिर से बढ़ कर के ालिम हैं नहीं और हरगिज़ नहीं तो फिर आइए आज़म कर लीजिए कि आज से हम भी अपने वालिद को अपने शौहर को अपने भाइयों को या जो भी हमारे सरप्रस्तों निगरान हैं अगर वो हमसे कोई गैर इस्लामी काम कराना चाहते हैं हम आसानी से उसे नहीं करेंगे हम समझाएंगे, हम कन्विंस करने की कोशिश करेंगे अल्लाह की कसम अगर आप यज़म कर लो आपकी बात मानी जाएगी शर्त ये है अदब के साथ रखिए अच्छे लबो लहजे में रखिए उनका मकाम व मरतबा पहचानिए और एतबार से अपने अलफाज और अपने जुमले मंतखब कीजिए इन शनी जाएगी क्योंकि आसिया की सुनी गई और अगर मामला वाकई ऐसा है आपको गैर इस्लामी काम करने पर मजबूर किया जा रहा है प्रेशर बहुत ज़्यादा है कोई भी आपकी बात नहीं सुनी जा रही इस तकामत का सबूत दीजिए जमाने माजी की ख़वातीन ने ऐसे हालात उनके साथ आए हैं उन पर प्रेशर डाला गया है लेकिन हक बात जब उनको समझ में आ गई और दलील के साथ डट गई ख़वात ने अपने आप को साबित कर दिया कि हमें भी आज़म और हौसले होते हैं हमें हर वक्त बहकावे में नहीं लाया जा सकता हकबात जान कर हम उस पर अमल करने के लिए ख़ुद मुख्तार हैं हमें दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती आपने सुना होगा इसी फिराउन के बेटी को कंघा करने वाली खातून का वाकया। नाजरीन क्या आप जानते हैं ख़वान इस्लाम क्या आप इस वाक़े से वाकिफ़ हैं आइए मैं याद दहानी करा देता हूँ किस तरह से फ्रऊन की बेटी को कंगा करने वाली खातून खादिमा जो मोमिना थी उसने इस्तेकामत का सबात क़दमी का सबूत दिया और हक बात पर डटी रही नबी वसल्लम मेराज में गए तो इस खातून को जन्नत की बशारत मिली हदीस ये है कि ये खातून जो खादिमा थी फिरौन की फिरौन के बेटी को कंघी करने के लिए संवारने और बनाने के लिए आया करती थी मोमिना थी ईमान रखती थी अल्लाह की तोहीद पर इसका यकीन था एक दिन ऐसा हुआ कि ये फिराउन की बेटी को कंघी कर रही थी कंघी छूट कर ज़मीन पर गिर पड़ी जब इसने इस खादिमा ने उस कंघी को उठाना चाहा तो अपना हाथ ज़मीन की तरफ़ बढ़ाया और कंघी हाथ में लेते हुए कहा बिस्मिल्लाह। ये सुनना था कि फ़िरौन की बेटी चौंक गई ये अल्लाह कौन है ये अल्लाह कौन है क्या मेरे बाप के अलावा भी कोई है कौन है तुम्हारा रब बहरहाल ये बात फिराउन तक पहुंच गई मैं जाकर अपने बाप से कहूंगी खादिमा सुनती रही हालांकि वो फिराउन के सामने उसकी क्या वक़ात थी उसका क्या मकाम था उसकी बेटी के सामने भी कोई खादिमा ही थी एक नौकरानी थी लेकिन ये बात फिराउन के पास पहुंची बेटी ने शिकायत कर दी अबू मुझे कंघा करने वाली जो खातून आती है कंघी उठाते हुए जो कंघी गिर गई थी कहा बिस्मिल्लाह मैंने पूछा क्या तुम मोमिना हो क्या मेरे बाप के अलावा भी कोई तुम्हारा अल्लाह और रब है वो ख़ामोश है हाजिर करो खादिमा फिरौन के दरबार में हाजिर की गई फिरौन पूछता है मेरे अलावा भी तुम्हारा कोई रब और अल्लाह है मेरे अलावा भी कोई माबूद है तुम्हारा उस मोमिना ने इकरार किया खावातिन इस्लाम तवज्जो से सुनिए मैं आपसे मुखातब हूँ आपकी बात कर रहा हूं और आपसे आपको अपील करने आया हूं। वो खादिमा फिरौन के पास हाजिर की गई पूछा गया क्या कोई और भी रब है तुम्हारा उसने जवाब दिया मेरा और आपका रब अल्लाह आरश वाला है अच्छा मेरे अलावा को तुम रब मानती हो कोई और तुम्हारा माबूद है उसके बच्चों को भी हाजिर कर लिया गया इसको सज़ा दी जाए मुजरिमा है ये इसने जुर्म किया है मेरे अलावा को इसने अपना रब बना लिया खातिन इस्लाम गौर से सुनिए क्या स्टेप लिया उस खातून ने किस सबात कदमी का सबूत दिया मिसाल है हमारे सामने फिरौन ने कहा लाओ डेग चढ़ाओ तेल गरम करो किया गया तेल गरम हो गया तेल खोल रहा है डेगों के अंदर उसके बच्चे को उसमें डाला गया जल गया सारा बदन उसका जलकर खाक़ हो गया पूछा जा रहा है क्या तुम मेरे अलावा भी किसी को रब मानती हो और अब भी इसी पर अटल हो हाँ फिरौन मेरा और आपका रब अरश वाला एक अल्लाह है अच्छा दूसरे बेटे को डालो दूसरे को डाला गया तीसरे बच्चे को डालो उसी के सामने उसके इन तमाम बच्चों को जलते हुए तेल में भून दिया गया मार दिया गया कत्ल कर दिया गया खातिन इस्लाम महसूस करो उस खातून के दिल में क्या बीती होगी क्या क्या गुजरी होगी लेकिन क्या उसने ईमान से अपने आप को हटा लिया क्या इस प्रेशर में आकर उसने अल्लाह वाहिद की तोहद से अपने आप को दूर कर लिया नहीं उस वक्त भी उसकी ज़बान पर यही कलमा था फिरौन मेरा और आप सबका रब एक है और वो अल्लाह आलमीन है आर्स वाला है नहीं मानती हो तो तुमको भी इसी डेग में डाल दिया जाएगा फिरौन कह रहा है अगर मेरी बात से मुकरती हो मेरे अलावा किसी और को अपना माबूद समझती हो किसी और पर तो अगर तुम्हारा ईमान है कि वो तुम्हारा अल्लाह है तुम्हारा रब है तुम्हारा माबूद है तो तुम्हें भी तुम्हारे बच्चों की तरह इसी डेग में डाल दिया जाएगा जल्दी करो जल्दी करो अगर तुम अपने इस स्टेटमेंट से नहीं बाज आती हो तुम अगर यही रट लगा रही हो तो तुम्हें भी जला दिया जाएगा और बस देर नहीं की जाएगी बताओ क्या मेरे अलावा भी तुम्हारा कोई रब है इस वक्त भी वो खादिमा यही कह रही है फिर मेरा और आप सबका रब एक है और वो अल्लाह रबालमीन है ठीक है इसे भी जला दो हुक्म हुआ उस खातून को भी उसी जलते हुए तेल में डाल करके जला दिया गया पूरी फैमिली जलकर खाक हो गई चमड़े और गोश पोश जल गए हड्डियाँ बाकी बची उस खातून ने डेग में जाने से पहले एक रिक्वेस्ट की एक दरख्वास्त की फ़िरौन मुझे जला दो मुझे इसकी परवाह नहीं है लेकिन मेरी एक गुज़ारिश है उसे सुन लो क्या है देखो मेरे मरने के बाद मुझे जलाए जाने के बाद मेरे बच्चों की जो हड्डियां हैं और मेरी जो हड्डियां बचेंगी उनको एक जगह एक कबर में दफन कर देना ठीक है ये खातून अपने तमाम बच्चों के साथ एक अल्लाह की खातिर इस तौहीद वाले अकीदे की खातिर उसने अपने आप को कुरबान कर दिया उसके बच्चे कुरबान हो गए ख़ुद वो क़ुरबान हो गई लेकिन ख़वातीन उसके पाए इस्तेकामत में कोई भी लर्जिश नहीं आई सबात कदमी का उसने मुजाहरा किया कि आप नहीं कर सकती हैं कर सकती हैं अल्लाह मकाम फ़रमाएगा जैसे उस कंगी करने वाली खातून को मकाम मिला क्या मकाम मिला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए मक्की ज़िंदगी में हजरत व सलाम के साथ आप जन्नत की सैर कर रहे हैं जन्नत में टहल रहे हैं आपने वहाँ एक जगह से गुजरते हुए खुशबू महसूस की कैसी खुशबू है जिब्रील ये कैसी खुशबू है ये खुशबू फिरौन के बेटी को कंघा करने वाली खातून और उसके बच्चों की है क्या मतलब फ़िरौन की बेटी को कंघी करने वाली खातून और उसके बच्चे जो जला दिए गए थे अल्लाह ने उनको जन्नत नसीब फरमाया है ये उनका ठिकाना है और ये उनकी खुशबू मतलब वो जन्नती है इतना बड़ा मकाम कि अल्लाह के रसूल सा हमारे और आपके आखिरी नबी अलैहि वसल्लम जन्नत की सैर कर रहे हैं और अल्लाह आलमीन उन्हें इस खातून के जन्नती होने की बशारत इस अंदाज़ में दे रहा है कि इसकी खुशबू उन तक जा रही है। खातिन इस्लाम आप अपनी जिम्मेदारियां महसूस करो हमेशा शिकवे और शिकायतें ये शिकस्त हैं आपको हर मोड़ पर शिकस्त नहीं तस्लीम करनी है आपकी ज़िम्मेदारी ये भी है कि अगर कोई गैर इस्लामी काम करने को कहा जा रहा है आपके वालदा पर प्रेशर डाल रहे हैं आपके शौहर जिनकी निगरानी में आप हैं अगर वो आपसे ज़बरदस्ती कर रहे हैं आपके भाई जो आपके निगरा हैं अगर उनका ये सब कहना है ऐसे काम करो जो गैर इस्लामी हैं आप थोड़ी देर के लिए सोचो कहीं अल्लाह को तो नाराज़ नहीं करने जा रहे हैं आप इन लोगों को खुश करके ऐसे में इस्तकामत का सबूत दो उन्हें समझाने की कोशिश करो वरना आलमीन आपकी हर शिकायत नहीं सुनेगा आप मुद इल्ज़ाम ठहराए जाएंगे अगर आपने उनको कन्विंस करने की कोशिश नहीं की आओ ख़वात इस्लाम आज़म करो कि हम बहानेबाजी से काम नहीं लेंगे और हम ये शिकवे शिकायतें नहीं करेंगे बल्कि हम अपने इल्म के मुताबिक जो दी इल्म है उसके मुताबिक अपने ज़िम्मेदारों को सरपरस्तों को समझाने की कोशिश करेंगे अल्लाह तौफीक तो अता फरमाए वक्त हो गया है इन अगली नशस्त में मैं फिर आपके सामने हाज़िर होऊंगा इसी दिलचस्प गुफ्तगू के साथ मुझे उम्मीद है कि आप उस वक्त भी हाजिर रहेंगे इजाज़त दीजिए असल वरम् वह